अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ नासिरा शमीर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। आज तो मैं बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी रेसिपी बनी हूँ, वो है चिकन पकौड़ा। आप उसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स होना है एक बार देख लीजिए। बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी बनती है हमारा चिकन पकौड़ा। मैं तो 1.5 किलो चिकन ली हूँ। 2-3 बार पानी से अच्छा धोकर रख लेना है। और उसके बाद देखो, इतना छोटा साइज़ नहीं है, इतना बड़ा साइज़ नहीं है, मीडियम साइज़ लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। एक चम्मच सॉल्ट, आप आपके हिसाब से भी ले सकते हो। नमक और लाल मिर्च। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च। हाफ टी स्पून हल्दी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 चम्मच बड़े साइज वाले कॉर्नफ्लावर पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 अंडे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ केसरी कलर। आप बाहर कौन से भी सुपरमार्केट्स में काम भी मिल जाता है। अब सब अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर कर 1 आवर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। कढ़ाई ली हूँ और इसमें ऐड करी हूँ ऑयल। ये बहुत अच्छा सा गरम हो जाना है। उसके बाद मीडियम फ्लेम में लगकर ऐसा एक एक करके डाल दो। थोड़ा देख के डालो, ऊपर तेल गिर जाता, ध्यान से डालो। ऐसा एक एक करके डालने के बाद 10 मिनट्स हाई फ्लेम में लगकर पका लो और उसके बाद 10 मिनट्स मीडियम फ्लेम में लग के पका लो। थोड़ा थोड़ा ऐसा डाल के अच्छे से पका लेना है। देखो बहुत ज़्यादा और टेस्टी और यम्मी बनती है हमारे चिकन पकौड़ा। मेरे को आप ट्राई करके मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट। Thank you.
मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब टू नासिरा शमीर।